करता हूँ मैं, और साइड घुमा। पावर सेट था हमने आपको बता रहा था, लेकिन तो कोई सेट है उसके टोटल क्या आएंगे सब सेट, ठीक है। अब सब सेट कैसे लिखे जाएंगे, मान लिया ये हमारे पास एक सेट है, पहले तो फाइल लिखेंगे, उसके बाद वन टू और वन ऐसे लिखेंगे ना, या कुछ और करना। हाँ, सबसे पहले से लिखेंगे हम फाइव, ये फाइव ये वाला नहीं है, ये वो अलग भाई है जो पहले हम लिखते हैं जिसको, ठीक। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, ठीक। सेकंड एलिमेंट ये है इसका, ये सेकंड है ना, इसमें एक और ब्रैकेट लगा देंगे, फिर दोनों इकट्ठे लेंगे, ठीक। और फिर अगर सारों में ब्रैकेट लगा देंगे तो ये बन गया इसका पावर सेट। देख लीजिए साहब, डायग्राम में हमने बताया तो दो सेट ए और बी है, ये सारा जो पार्ट होता है ये ए यू नहीं, तो हम लैंग्वेज के फॉर्म में या सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच है, उन सभी एक्स का सेट होगा कैसे, या तो एक्स बिलोंग टू ए या एक्स बिलोंग टू, और का मतलब x या तो a में होंगे या b, दोनों में भी हो सकते हैं लेकिन किसी एक में तो होगा जरूरी है, ठीक। इसी के साथ क्योंकि हमें टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी, इंटरसेक्शन हमारा ये होता है, यहीं पर अगर हम a इंटरसेक्शन b लिखें सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू एंड का मतलब इस चीज को पकड़ना होगा, यानी कि जब बात इंटरसेक्शन की आएगी तो किस वर्ड को यूज करेंगे हम, एंड, और जब यूनियन की बात करेंगे तब और क्यों करेंगे। देखिए इंटरसेक्शन में का जो इंटरसेक्शन सेट होगा उसमें वही तो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में होंगे, या किसी एक वाला भी आ सकता है, तो
इसलिए मैं कंडीशन लगाई थी वो दोनों में होने चाहिए। जब यूनियन करेंगे तो वो एलिमेंट किसी एक में भी होगा तब भी वो यूनियन में आपके आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर यहाँ पे आप एग्जांपल लेना चाहें, अगर ए बराबर 1, 2, 3, बी इक्वल टू 2, 3, 4, ठीक, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4। और ऐसा है जो सिर्फ एक में ही है, 1 ऐसा है जो एक में ही है, समझे, एक ही सेट में ना 1, लेकिन यूनियन में ए यूनियन बी में तब भी आ गया, और अकेले में तब भी इसमें आ गया। यही को इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकाल लें, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 2 और 3, क्योंकि इसके लिए कंडीशन यही है कि वो चीज़ें दोनों साइड में होनी चाहिए। इसे लिख लो आप, क्योंकि ये चीज़ें बार बार यूज होंगी। यहाँ से आप एक चीज़ और डिस्कस निकाल सकते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब एंड है और यूनियन का मतलब और है। एंड मैंने और मैंने लिया, ये चीज आपकी जब मैथ में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगी। पढ़ी होगी प्रोबेबिलिटी तो? जैसे ये दो बैग हैं, पहले बैग में से एक बॉल निकालने की प्राइस था 1 बटा 2, दूसरे में से एक बॉल निकालने की प्राइस था 1 बटा 3, दोनों बैग से एक बॉल निकालने की प्राइस था क्या लगती थी, इंटरसेक्शन भी निकालते थे ना, तो 1/2 × 1/3। आगे से इंटरसेक्शन का मतलब प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और यूनियन का मतलब एडिशन हो जाता है। प्रोबेबिलिटी में तो ये समझ नहीं आया होगा कहाँ गुणा होती है कहाँ जोड़ते हैं। लेट कैसे हो गए एक बार को चाहे स्कूल में कौन सा स्कूल बता रहे थे एक बार को स्कूल मिस कर दो, कोशिश ये करो कि मेरी क्लास मिस कर, मैं इसे मैडम बहुत जल्दी जल्दी आया हूँ, इसका रीज़न बता रहा हूँ। अब आज थर्ड लेक्चर का मुझे का सेट खत्म, अगर इसी कंटेंट को आप कहीं भी पढ़ोगे तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और उम्मीद ये है इस वर्ष कि शायद कोई पॉइंट ऐसा नहीं छूटने का जो आपके समझ में ना आए। तो बताइए आप 2 दिन हो गए पढ़ते हुए, कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि समझ में आ रही है? क्लास मिस कर देते ना बड़ा बहुत जरूरी हो गया। हरिद्वार से थोड़ा बहुत 2 बजे जा रहा था, हरिद्वार से यहाँ पर ऐसा 3:10 पर आ गया था। यहाँ बैठ दो ना आगे लग लो सर, यहाँ पर वहाँ बैठ लो सुनकर वहाँ से दिक्कत रहेगा।
होएगा, मुझे भी एक चीज़ बताओ आप लोग, दो दिन पढ़ाते रहेगा, दो दिन काफ़ी होते हैं, मुझे बताओ जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, ज़्यादा तेज ना पढ़ा रहा हूँ या भाई ज़्यादा स्लो तो नहीं है, कुछ सुझाव हो आप लोगों को बताओ एक्चुअली क्या होता है देखो, कमियाँ हर व्यक्ति में होती हैं, लेकिन यह है कि अगर यहाँ ये कमी मुझे बता दोगे तो मैं इम्प्रूव कर लूँगा, जैसा आप कहोगे मैं वैसा बता दूँगा, जिस तरह का चाहोगे वो किसी और के माध्यम से मेरे सामने आए वो अच्छा नहीं लगता, मैंने आपको लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे, यही बात अब तक मैंने जितना कंटेंट पढ़ाया क्या कोई पॉइंट ऐसा है जो छोड़ा हो या उसको इजी वे से ना पढ़ाया हो, यानी भाई स्कूल में तो पढ़ते ही हो, स्कूल का टीचर भी कितनी मोटी मोटी बात कर लेगा स्कूल पर, जितनी बारीक से बारीक चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं आपके सामने कोई इशू ये ना आए कि अरे समझ में नहीं आ रहा था कंसेप्ट क्या, क्योंकि अगर फाउंडेशन स्टार्ट होगी ना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया फिर आप कोई भी बुक्स। और मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, सेट रिलेशन और फंक्शन इस पूरे इंजीनियरिंग के सिलेबस में यही सबसे टफ होता है, इसको मैं अगर नाम दूँ इसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट मैथ, ये अब्स्ट्रैक्ट मैथ है यानी कि अमूर्त बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसका दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ता है, इसमें सोचना बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट लगते हैं ये मैथ चलता है, इस तरह के जो कंसेप्ट आते हैं ना आपका रिलेशन फंक्शन चलता है, बीएससी रिलेशन वाला मैथ, बीएससी में तो काफ़ी आता है रिलेशन फंक्शन में बड़े बड़े चलते हैं, लेकिन 11th 12th में IIT JEE में दे दिया स्कूलों में से स्किप कर दिया, क्योंकि बहुत से तो 90% तो टीचर रहते हैं जिनकी टीचों नहीं आ, तो इसलिए यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरे दिन स्कूल से भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ का अगर छूट गया वो पूरा नहीं होगा, रिकॉर्डिंग इतनी बेहतर नहीं है कि आप अच्छी तरह कह चलो भाई वो आपको रिकॉर्डिंग देख लो वहाँ से लिखा होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कभी आवाज़ सही नहीं आती, अभी देख लो उसमें री रिफ्लेक्शन हो रहा है, अभी तो क्वेश्चन किया था मैं किया पापा सेट बनाने का बहुत हैं, इतना शुद्ध देसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, एक प्योर देसी तरीका है,
बनेगी जिस तरह भी हाई फाई इंग्लिश बोल दिया बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कोई मतलब। मेरा मकसद कंटेंट थोड़ा बनाना है, मेरा मकसद ये है कि बच्चा सीखे। और इतना प्रॉमिस मैं करता हूँ कि अगर मुझे कोई बच्चा ऐसा दे देना कि वही ये सेवन्थ क्लास का बच्चा है उसको अलेवंथ का मैथ पढ़ा तो सब इलेवंथ का मैथ पढ़ा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे ढूंढा पड़ देना रिमेड कर बच्चा मेहनत करने लायक हो, मेहनत करना चाहे कि हाँ पढ़ना है। तुमने एक्स का इशू था ख़त्म हो गया, वो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। इंजीनियरिंग का मैथ तो कोई पढ़ाया था क्या होता है, बहुत से बच्चे कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, वहाँ क्लास चलती हैं, पाँच दस क्लास में कुछ होता है क्योंकि वो अपना एक स्टैंडर्ड बनाया करते हैं, उससे नहीं चलते ही। इंग्लिश मीडियम वाला तो आया नहीं आज, एक सेट है वन आउट टू इसका पावर सेट बनाना है। पावर सेट वो क्या होता है? ठीक है, वो तो उसके मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए उसके मतलब नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, लेकिन पावर सेट क्या होता है इसका मतलब कल जो पढ़ाओ वह जाकर पढ़ाने में लाख मुझे बता पानी ए सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड ए प्रॉपर्टी। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होंगे उनका जो सेट बनेगा वो पावर सेट है। अब बनाओ इतना काम तो करना है जो यहाँ पढ़ाए जाओगे उससे कम से कम जाके 10 मिनट 5 मिनट रिवाइज तो करोगे ना। पावर सबसेट आपको इस सेट का बना के दिया था ए बी सी या वन टू थ्री का जगह बना था थ्री वाले का जिसमें एट एलिमेंट थे बन गया। एक एलिमेंट ये है एक ये अलग है ये अलग है इसको मान लो ए मान लो इसको बी मान लो इसको ए मान लो तो सबसे पहले क्या आएगा फाई आएगा फाई के बाद क्या आएगा ए ए क्या है फाई फिर क्या आएगा बी बी क्या है बी ए ब्रैकेट में बंद है तो ये डबल ब्रैकेट में जाएगा ठीक और फिर ए बी क्या है फाई कोमा ये है ना तो ये सेल्फ ब्रैकेट और एक सब का बड़ा समझ आया या अभी भी नहीं आया इसे नोट कर लो जी। क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 4:30 बजे क्लास बंद हो जाती है फिर उधर से 4:30 बजे जिसको पढ़ रहे हो गए नहीं मारा क्या पढ़ा रहे थे
पूरी बुक में टोटल कितने चैप्टर रहते हैं का लेकिन 15 में से 10 भी अगर पक्के हो गए सारे में भी फिर 10 को पूरे अच्छे होने के लिए आगे जो लिखा यहाँ को पूछ रहा था आपसे कैसा पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कोई कोचिंग वाले यहाँ पे यहाँ पे जो पढ़ाने का सिस्टम है टीचर का यहाँ वही टीचर पढ़ाता है जो बच्चों को पसंद है अगर बच्चों को पसंद नहीं आ रहा ना टीचर का आप कौन मना कर सकते यहाँ से किसी कोई मना कर उनको मना कर दो सर हमारे समझ में का पता नहीं आ रहा टीचर बदल जाता है यहाँ टीचरों की कोई कमी नहीं है किसी सब्जेक्ट की क्योंकि आप इतने दूर से आ रहे अपना समय लगा रहे आगे मेरे बाद भी कोई पढ़ाए या जो भी यहाँ मैथ्स पढ़ाते रहेंगे अल्टरनेट अल्टरनेट उसका ना समझ में आए तुरंत मना करें और आगे से लगे कोई टीचर ऐसा मिल जाए जो मेरे से बेहतर पढ़ा रहा हो तो मेरे लिए मना कर देंगे क्योंकि मैं फिर जाके उधर एनडीए पढ़ाऊंगा एनडीए का क्योंकि तो मैं यूपीएससी का सी सेट करता हूँ सी सेट इसमें मैथ और रीजनिंग को पढ़ाता हूँ और एनडीए का मैथ कुछ प्रॉपर्टीज हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन यूनियन ठीक है यूनियन का मतलब तो ये हुआ पहले समझ लो लिखो बात यूनियन का मतलब तो ये है
प्रॉपर्टी ऑपरेशन क्या होता है जो हमने आपको क्रियाएँ बताई, संक्रियाएँ बताई, संक्रियाएँ कौन सी हैं, या तो यूनियन है या इंटरसेक्शन, ठीक है, कुछ ऑपरेशन हैं के प्रॉपर्टीज मैंने गुण, कुछ गुण होते हैं, जैसे मान लिया अगर हम दो नेचुरल नंबर को जोड़ें तो हमेशा घटेगा, एक नेचुरल नंबर आएगा, ठीक, दो इंटीजर को जोड़ें या घटाएं तो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, तो वो एक गुण, क्या दो इंटीजर को जोड़ने से हमेशा नेचुरल नंबर आ जाएगा, जरूरी नहीं है ना, मान लिया मैं एक इंटीजर माइनस टू ले लिया, एक माइनस वन ले लिया, दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस थ्री होगा, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जो हम सब कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं इनमें सबसे पहले लागता है कम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में बताएगा क्या क्या बोलते हैं इसको, पढ़ा है हिंदी इंग्लिश में कभी कुछ पढ़ा है ये कम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम विनय नियम, क्रम विनय नियम, ठीक है, पढ़ा होगा क्रम विनय, तो ये भी नहीं पढ़ा। अब जो स्टार्ट मैंने किया ना कि इससे पहले जो आपको नमस्कार आया और ये चीज़ें ये थोड़ी सी अब ऐसी हैं जो हमारी यूज में है, अब तो बिल्कुल बेसिक। कर्म विनय नियम क्या कहता है, कर्म विनय नियम ये कहता है सिंपली बात करूँ कि मैं दो में तीन जोड़ लूँ या तीन में दो जोड़ूँ, एक ही बात रहेगी, समझ रहे, ओनली इनका मैंने कर्म बदल दिया, लेकिन क्रम बदलने में इन पे कोई प्रभाव इनके वैल्यू पे नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, ये इसको मैं अगर सिंपली कहूँ अर्थमेटिक की बात करूँ, जो मैं इसकी सेट वाली बात नहीं कर रहा, अर्थमेटिक की, तो ये कॉम्यूट है, क्रम विनय है अंडर एडिशन, यानी कि अगर इन पे एडिशन का ऑपरेशन लगाऊँ, जोड़ू उन्हें और तब क्रम विनय नियम लगाऊँ तो ये सेटिस्फाई है, क्या ये अंडर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूट है, टू माइनस थ्री क्या थ्री माइनस टू के इक्वल है, यानी ना, तो टू और थ्री और थ्री माइनस टू नहीं है तो ये अंडर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूट नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, इन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को क्रम से जोड़ दो, चार पाँच जोड़ दो या पाँच चार जोड़ दो, एक रहेगा, लेकिन अंडर सब्ट्रैक्शन वो कॉम्यूट नहीं है ना। सेट ऑफ रियल नंबर अंडर द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन कॉम्यूट है, क्योंकि किन्हीं भी दो क्या नाम नहीं वो सब्ट्रैक्शन कहीं भी कॉम्यूट नहीं होगा नंबर से, क्योंकि हमेशा क्या होगा कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, एक डिजिट प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी, लेकिन पॉजिटिव कॉम्यूट होगा चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो और चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो प्लस सभी जगह काम करते हैं। इसी तरह से इसमें क्या कहता है सेट में, इसमें कहता है कि अगर ए का बी के साथ यूनियन करें, ए यूनियन बी का मतलब ए का बी के साथ यूनियन करे, ये बी के साथ अगर ए का यूनियन करे, दोनों इक्वल, क्लियर। चलो दूसरा अर्थ है हमारा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ हिंदी में इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य, ठीक, साहचर्य नियम क्या है, कुछ लगभग इसी का ही भाई है, ये क्या करता है, ये कहता है कि मैं अगर ए का यूनियन बी से करूँ, पहले तो इन दोनों का करूँ, लिखना बाद में, पहले समझिए, उसके बाद फिर सी से यूनियन करूँ, तो ये इसके इक्वल होता है कि पहले मैं बी और सी का यूनियन अलग से कर लूँ और फिर ए के साथ कर लूँ, दोनों की वैल्यू सेम रहती है, समझ रहे, इसको वैसे ही समझ लो कि दो प्लस तीन, यानी कि अगर मैं नू कहूँ कि दो प्लस तीन प्लस चार इक्वल टू टू प्लस थ्री प्लस फोर के होता है या होता है, तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तीसरा है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ
आइडेंटिटी इसको हम लिखते हैं ऐसे ए यूनियन वाई इक्वल टू ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का वहाँ पे शायद हिंदी में इसका मतलब होता है तत्सम नियम। तत्सम नियम का तत् मैंने उसके, सब मैंने समान, उसी के समान, यानी कि किसी एक सेट में हमने ये ऑपरेशन लिया और उसके साथ एक दूसरे सेट को जोड़ा, लेकिन आया वही जो पहले था, ये था और ये ही आ गया, समझ गए? तो इसको बोल लेंगे हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। और इसका जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको हमने लॉ ऑफ आइडेंटिटी इसलिए कहा कि इसे किसी के साथ यूनियन कर लोगे वो स्वयं आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसे 2 + 0 = क्या है, तो 0 क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ 2। तो यहाँ पे 5 आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए अंडर ऑपरेशन यू, यूनियन के अंडर ऑपरेशन अगर लगा रहे तो ए आ रहा, ठीक। यहीं पे आगे डिस्कशन करेंगे, अगर इंटरसेक्शन लगा दो क्या आ जाएगा, फिर फाई आ जाएगा ना। तो ये तो फाई आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये आइडेंटिटी ला है, आइडेंटिटी ला इसलिए कहा गया क्योंकि हमने अगर ए का फाई के साथ ऑपरेशन लगाते हैं तो ए ही आ जाता है, ठीक है। एक है आई डैम्पोटेंट लॉ, चौथा हमारा है आई डैम्पो टेंट लॉ। आई डैम्पोटेंट लॉ, ये लॉ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आगे आप मैट्रिक्स पढ़ोगे उसमें भी ये काम आएगा, मैट्रिक्स में, इंटर में तो शायद ना किसी ने बताया हो आई डैम्पोटेंट लॉ वगैरह वगैरह आएंगे। तो आई डैम्पोटेंट लॉ एक तरह से हिंदी में इसको वर्कसम नियम बोलते हैं। वर्क का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो ए ही आएगा, ठीक। एक है लॉ ऑफ यू, और इसको बोलते हैं अगर आप ये इस वाले को लॉ ऑफ फाई, ठीक। और फिफ्थ है लॉ ऑफ यू, यू मतलब यूनियन, लॉ ऑफ यू, और उसके लिखेंगे यदि हम यू का यूनियन करें ए के साथ तो क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। ये पांचों आप नोट कर लो, वैसे तो बुक में भी दिए हुए हैं लेकिन फिर भी अगर लिखोगे एक बार अच्छा रहेगा।
स्टडी है क्या था? आई हैव टेन क्लास आई डैम को टेन क्लास क्या होता है? अगर किसी सेट ए का उसी से ही यूनियन करे आपने सही तो वो स्वयं ही आना फालतू की फिर अंडरस्टूड चीज है। और जो मैथ्स के टॉपिक हैं वो अप्लाइड हैं, अप्लाइड का मतलब हमें कैलकुलेशन करने में ज़्यादा वो करना जैसे बोल रहे हैं एक थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स का है। अब आता है इंटरसेक्शन ऑफ साइड, इंटरसेक्शन देखिए इंटरसेक्शन का मैंने साइन बताता ये होता है ठीक। इंटरसेक्शन को हमें डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? अगर ये इंटरसेक्शन बी लिखना है दो सेट में तो हम लिखते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, दैट इज हमारा एक्स जो है ए और बी दोनों में होना चाहिए ठीक है। वेन डायग्राम में हमने बता दिया था कि इंटरसेक्शन बी कौन सा होता है, ये वाला पार्ट ठीक है जो दोनों में कॉमन होता है। अब हमने जो प्रॉपर्टीज कुछ हमने यूनियन के लिए पढ़ी हैं, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन के लिए पढ़ेंगे। सेम वही प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टीज आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? अंडर इंटरसेक्शन ए का अगर बी से इंटरसेक्शन करें और बी का ए से करें दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम आएगी है? सेम आएगी ना भाई, ए का बी से इंटरसेक्शन कर लो, पहले ए को लिख लो फिर बी को लिख लो, वो उसके तो बराबर होगा जो पहले बी और ए को भाई मान लिया। इसमें हमने नेबर ले लिए 1, 2, 3, इसमें सेट ए में, बी में ले लिया हमने 2, 3, 4, इनका हमने इंटरसेक्शन निकाला क्या आया 2, 3 तो आया ना। अब बी को पहले लिख लें 2, 3, 4, 1, 2, 3 को अब बाद में लिख लेते हैं। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे क्या आएगा, अब तो 4, 3 आएगा या कुछ और आ जाएगा, इक्वल हो गए ना, तो कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया ये हमारे पास। यानी कि ए से बी का इंटरसेक्शन करें या बी का ए से करें वैल्यू हमारी सेट की सेम होगी। दूसरा लॉ हमारा आता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए का इंटरसेक्शन बी से करें और फिर उसका इंटरसेक्शन सी से करें ये उसी के इक्वल है कि ए का इंटरसेक्शन हम बी इंटरसेक्शन सी के साथ कर लें। यूनियन के लिए भी यही था, दोनों ला सेम है, वहाँ यूनियन थी यहाँ इंटरसेक्शन है, या कोई अलग चीज हुई इसमें? अब आता है अभी थर्ड नंबर का छोड़ रहा हूँ मैं, फोर्थ नंबर का ले लो आप आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर ए का ए से इंटरसेक्शन करें तो ए ही आएगा ना, यूनियन भी यही कह रहा था तो यहाँ भी बात सेम है ठीक है। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ फाई और लॉ ऑफ यू थर्ड वाले पे। एक तो का फर्स्ट पार्ट बना दूसरा लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ फाई क्या कहता है? अगर ए का इंटरसेक्शन फाई से करूं तो क्या आएगा? फाई
फाइव, और अगर ए का इंटरसेक्शन यू से करूँ ये सेकंड आ जाएगा तो क्या आएगा ए। ठीक, ये तो लॉ ऑफ फाई है अंडर इंटरसेक्शन, और ये लॉ ऑफ यू है अंडर इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कि जब वो इंटरसेक्शन करके सेल्फ आ रहा है यूनिवर्सल सेट के साथ तो इसको हम आइडेंपोटेंट लॉ ऑफ यू बोलेंगे, और इसको बोलेंगे क्या नाम, आइडेंटिटी लॉ है यू लॉ ऑफ फाई है। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन जब हमने यूनियन किया था, यूनियन में हमारे पास आता ए यूनियन फाई इक्वल टू ए आता। ठीक, तो हमने क्या बताया था कि फाई जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए, और इसको बोला था आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, क्योंकि सेट तो ए है ना, ए पे अगर यू से करे तभी तो ए सेल्फ आ रहा ना इंटरसेक्शन में, तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट यू है और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं है, लेकिन ये क्या है लॉ ऑफ फाई है, यानी कि अगर किसी के साथ फाई का किसी के साथ इंटरसेक्शन करें तो फाई ही आता है। ये तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब एक फिफ्थ लॉ है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं, वितरण या बंटन नियम। बंटन का मतलब एक तरह से मान लो बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तो हिंदी में यही होता है बांटना, साफ कर दो ऊपर का नहीं, चलो पहले इतना कर लो।
उसको हम वितरण नियम या बंटन नियम कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश की जाना। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन आवर यानी कि हम बांटेंगे किसको इंटरसेक्शन को इसके आसपास बांटेंगे हम यूनियन के। ठीक है, यानी कि यूनियन के चारों ओर या उसके आसपास या इसके ऊपर जो भी है मतलब ये बांटना इसके लिए। जो चीज़ बांट गए उसको डेफिनेटली एक जगह से दो टुकड़े तो उसके होने ही, वही एक जगह से दूसरी जगह भी जाके तीसरी जगह भी जाके। अगर मैं एक ऐसा लिखूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ठीक है, अब बांटना डिस्ट्रीब्यूशन ओफ मैंने क्या होता है इसको बांट रहे इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब है कि इसमें इंटरसेक्शन ज़्यादा होगा, यूनियन तो बेचारा झुका तो रहेगा, यूनियन तो यही रहेगा। अब क्या करेंगे जब हम इस नियम को लिखेंगे एक बार तो इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन लिख दिया, इसके बाद फिर ये साइन आ जाएगा यूनियन सी, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ये वैसे ही काम करता है यदि 2+x+y की मल्टीप्लिकेशन करें कि 2x+2 देखना जरा कोई डिफरेंस है उसमें है नहीं ना। यहाँ क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन साइन अवर एडिशन लिख सकता हूँ नहीं भाई, इस मल्टीप्लीकेशन का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया किसके अवर एडिशन के, तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन ऐसे हम इसको लिख देते हैं। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ यूनियन है या इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन आ जाएगी ये इंटरसेक्शन हो जाएगा ये यूनियन है, यानी कि दोनों तरह के लॉ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये चीज़ समझ में आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है। अब कैसे होती है जरा वेन डायग्राम से समझ लें, क्योंकि आगे बुक्स में जब कहीं लिखा हुआ आएगा हम उसे आत्मसात कर लेंगे, हाँ होता है हमने देखा है करके प्रैक्टिकल देखा है कि वास्तव में सच्चाई है या नहीं। देखो हमारे पास तीन सेट है ए बी और सी, बी यूनियन सी कौन सा होगा, होगा ना ये वाला ही, ये तो है सारा बी यूनियन सी और ये सारा क्या है ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा होगा, यही होगा ना, समझ में आ रहा, यानी कि इस सारे का मतलब ये वाला हिस्सा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा है आपका, समझ में आ गया, दूसरा लिखते हैं ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी, यही होगा ना, और ए इंटरसेक्शन सी ये वाला है, दोनों का यूनियन सारा मर्ज हो जाएगा ना, वही आ गया ना देखो, तो इसका मतलब ये बात सत्य है, इसलिए इतना ही
बी बी एक, हम कितने भी जल्दी बनाए हम ऐसा बना देंगे, हम कभी भी इसको ऐसे नहीं बनाने, ये तो टच कराना ही पड़ेगा, तभी तो बी बनेगा। जैसे थ्री के मुंह में कुछ डंडा फंसा दिया वेन डायग्राम के बारे में तुझे पढ़ा था थोड़ा बहुत पहले कभी पढ़ा है? वैसे देखने में तो जी का जंजाल सा लगता है, तो है क्या वो बात? सीखा हमने आज तक सिखाना ऐसे भाई 15 में 60 के कितने बचे 7, लेकिन हमने कभी ऐसा तो नहीं किया ना आज तक। ये वाले 8 खत्म हो गए, ये बच गए या ना भाई, ये 15 है, 15 - 8 = 7। अगर मैं इसको ऐसे करूँ क्या इसमें कोई गलती है का? ये 1 8 8 से कैंसिल हो जाएगा ना, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा ना, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ है ना। सेट्स में कुछ ऐसा ही, एक सेट ए ले लेते हैं 1 2 3 4, एक सेट बी ले लेते हैं 2 3 4 5, ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी वो होगा, दोनों में कॉमन कौन से हैं? ये कॉमन वाले निकाल कर जो बचता है, समझ गए? कॉमन को छोड़ के ए के दुकान में जो सामान बचा वो ए माइनस बी, उसे छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ मेरा समझाने का मतलब यही है कि जो इसके जैसा था, जो हमें लेस करना था, इसके जैसा जो था वो हमने ख़त्म कर दिया, बाकी जो बचा वही रहेगा था आंसर, ठीक है? यहाँ उससे मुझे ये समझाने का मकसद हमारा ये था, ये समझ में आ गया। यहीं पर अगर बी माइनस ए निकाल दो, बी माइनस ए क्या होगा? कॉमन को छोड़ करके फाइव, ठीक है, 3 4 5 है ना, कम लग रहे तो 6 और कर लिखता हूँ, तो फिर 5 और 6 आ जाऊंगा, ठीक। ए माइनस बी कॉमन को छोड़ते हुए ए में जो बचेंगे एलिमेंट वो, और बी माइनस ए में कॉमन को छोड़ते हुए जो बी में, ठीक। इसको वेन डायग्राम से अगर हम समझे, एक सेट ए है एक बी है, सेट ए के वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं है, यानी कि ये वाला सारा पोर्शन, ये
गया आपका ए माइनस बी, ठीक है, बी माइनस ए, ये बी है ये ए है, कॉमन वाले को छोड़ते हुए बाकी ये ए और ये बी माइनस ए है और ये ए माइनस बी, ठीक है, समझ आ गया। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग टू a कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लैंग्वेज में रहेंगे, क्योंकि अगर हम इसको लिखते हैं कि x बिलोंग टू a एंड इसकी अगर सही टर्म लिखूं तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x belong to A and X belong to A intersection B, set of all A, X belong, does not belong to A intersection B and X does not belong to B, ये language बॉक्स में तो है नहीं दी हुई, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा वही तो आएगा ना यहाँ पे, क्या ये इंटरसेक्शन बी में है वो हो गया, दूसरा ना ही वो बी में हो, इसको तो हम बोलेंगे ना ए माइनस बी, लेकिन समझने के लिए आपके लिए यही है, जब इसकी कभी जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, लिखना तो नहीं है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, जैसे हमने कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है तो मुझे बताओ कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, हिंदी में उसको पूरा बोलते हैं, वैल्यू कितनी होती है इसकी 90 डिग्री, अगर एक एंगल 51 डिग्री का है उसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा, 39, ऐसा ही होगा ना, एक 40 का तो दूसरा कितने का होगा 50 का, क्योंकि मैक्सिमम ग्रांड टोटल कितना है 90 डिग्री, ऐसे ही यहाँ कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स निकाल लेंगे, यहाँ जो ग्रांड टोटल की बात थी वो है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक, यानी कि किसी सेट का अगर कम्प्लीमेंट निकालना तो उस सेट में जो एलिमेंट है उसे छोड़ते हो, बाकी उस सारे में जितने हैं वो पर्याप्त है, ठीक, एग्जांपल मान लिया यूनिवर्सल सेट बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एक सेट ए दिया हुआ है हमारा 1 4 6 7, हमें कहता है इसे कम्प्लीमेंट निकाल देंगे, रिप्रेजेंट डैश भी है और सी डी भी देखते हैं क्या होगा, ये एलिमेंट छोड़ दो बाकी जो उसके यू में है कौन सा छोड़ देंगे, ये भी छोड़ेंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये भी और ये भी, कौन सा बचे 2 3 5 8 2 3 5 8, समझे, ये बिहेवियर कर रहा है जैसे कि वो 90 डिग्री, समझ रहे, और इसका कम्प्लीमेंट ये और इसका कम्प्लीमेंट ये, ठीक है, ए ए का कम्प्लीमेंट ये है, अगर मैं इस कम्प्लीमेंट का फिर कम्प्लीमेंट निकाल लूँ क्या आएगा, इसका भी कम्प्लीमेंट क्या होगा, ये आ जाएगा ना या नहीं आओगा, इसका कम्प्लीमेंट 2 3 5 8 निकाल ला, इसे भूल गया, हो गया भूल गए, इसका कम्प्लीमेंट क्या है, 2 को नहीं लेंगे, 3 को नहीं लेंगे, 5 को नहीं लेंगे और 8 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 1 4 6 7 1 4 6 7 ले लिया, और ये सेट कौन से थे ये लिखे हुए 1 4 6 7, वही था ना, इसकी वैल्यू क्या आती है, क्या था सेट ये एक, तो ये क्या आ गया एक, इट मीन्स अगर ए का डबल कम्प्लीमेंट निकाल ले तो ए ही आता है, ठीक है,
यहाँ पर भी पूरक का फिर पूरक निकाल दो, इसका पूरक ये है देखो 51 का कम्प्लीमेंट्री 39 डिग्री का कम्प्लीमेंट क्या हो गया 51 डिग्री, सेम आगे कम्प्लीमेंट का कम्प्लीट, इसके कम्प्लीमेंट योर कम्प्लीमेंट का कम्प्लीट क्या आ गया, कम्प्लीमेंट क्या आ गया इट्सेल्फ अपने आप आ गया। बस ये ध्यान रखना, कभी कभी यूज करना पड़ जाए कहीं थ्योरम में कि ए के डबल कम्प्लीमेंट की वैल्यू आपको ऐसे लिखी हुई मिलेगी, ये आपका मैट्रिक्स भी यूज होगा, मैट्रिसेस पढ़ोगे ना जब डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस तो वहाँ भी यूज होगा, वहाँ जो पढ़ते हैं मैट्रिसेस में कम्प्लीमेंट ऑफ ए मैट्रिसेस, डबल कम्प्लीमेंट ऑफ ए मैट्रिसेस इज इट्सेल्फ, कैसे मान लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कम्प्लीमेंट किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे, जो रो है कॉलम बना दो उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये ए था मैट्रिक्स, तो ये ए कम्प्लीमेंट आएगा, इसका फिर कम्प्लीमेंट निकाल लूँ तो उसकी क्या बना दूँ मैं, रो के कॉलम 1, 4, 7, 2, 5, 8 वही आ गया नंबर, तो जो रूल यहाँ पर सेट में लग रहा ये वही मैट्रिक्स में लग रहा। अच्छा लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं कम्प्लीमेंट को, कंसीडर कर लेते हैं लेट ए बी एनी सेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट यू, एक यूनिवर्सल सेट हमने क्या ले लिया कैपिटल यू ले लिया, एक कोई सेट ए है, तो अगर हम लिखते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स डज नॉट एंड एक्स बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू ए, वही तो आएंगे ना कम्प्लीमेंट में, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू, ठीक। अब तो समझ में आ रही होगी कैसे लिखी जाती हैं चीज़ें, अब है सम प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लीमेंट, जो हम कम्प्लीमेंट अभी बात कर रहे थे जिसकी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसमें, एक है कम्प्लीमेंट लॉ, कम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि सेट ए का यूनियन यदि ए के कम्प्लीमेंट से करें तो यू आ जाएगा ना, ये बताओ यूनिवर्सल सेट यस आएगा नहीं, भाई ए था उसका कम्प्लीमेंट दोनों को मिला गया तो यूनियन बना हुआ, तो इसलिए दोनों का यूनियन क्या हो गया यू हो गया। सेकंड ये फर्स्ट है इसका लॉ कम्प्लीमेंट में, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड है कि ए का अगर ए के कम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन करेंगे क्या आएगा, ए के कम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन एक सेट ए है उसका कम्प्लीमेंट निकाला और उन दोनों का इंटरसेक्शन किया क्या आएगा, वेरी गुड वो आएगा फाइव, ठीक है। इसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ,
लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, यदि दो सेट का यूनियन किया जाए और उनका कंप्लीमेंट निकाल ले, दो सेट का यूनियन किया उनका कंप्लीमेंट निकाल ले, तो उन दोनों के अलग अलग कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ठीक, होमवर्क में है आपके, इसको इसका वैन डायग्राम देखना बना के, क्या ये बात सत्य है या नहीं है। अलग अलग बनाना, पहले इसके लिए बना के देखो, दो सेट बनाए ए बी, उनका यूनियन करोगे, उनका कंप्लीमेंट निकाल लो, उसे सेटेड करो, फिर ये निकाल लो, फिर उन्हें सेटेड करके देखो क्या दोनों इक्वल्स आ रहे या नहीं आ रहे। ठीक है, ये यूनियन पे है, पहले यूनियन का कंप्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन, दूसरा जी का ला होता है इंटरसेक्शन। यानी कि कहने की बात यह है कि सिर्फ इनका साइन चेंज हो जाता है, कैसे, यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा उलट के, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन, ये दो आपके डी मॉर्गन ला हो गए। लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट का मैंने बता ही दिया, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट क्या है, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए। ठीक है, एक ला हो रहा है इसका, ला ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का क्या कहता है कि फाई का कंप्लीमेंट क्या होगा, बताओ मुझे भाई, ये सेट हमने कहा, ये एक बॉक्स बनाया, हमने कहा कि जो इसमें एक कहीं भी बिलोंग नहीं कर रहा और उसे छोड़ते हो बाकी सारा नहीं आ जाएगा, सारा ही नहीं होगा। भाई का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, कहीं भी एक भी जगह नहीं है, तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, सारा यू हो गया, और जो यू का कंप्लीमेंट निकाल लूँ तो उसका मतलब क्या हो गया, खाली। भाई खाली का उल्टा क्या है, भरा हुआ, अरे भरे का उल्टा क्या है, खाली, बस नहीं आ रहा तो देसी भाषा में आ जाओ। तो ये मान के चलिए सेट तो आपका सेट खत्म हो गया, सिर्फ एक थ्योरम बच रही है, डी मॉर्गन का होमवर्क में लेके आना है इसका डायग्राम, इसका डायग्राम बनाना है, और आपको इसमें ये अगला ही एक ये दिया हुआ जीवा जंजाल है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इसको जरूर पढ़ के आना, कल को बस इस पे डिस्कस करूँगा। मन में आया एक दो न्यूमेरिकल इसके कर लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पे इतना खास हमारा बहुत फिलहाल नहीं है, फिर हम कल रिले स्टार्ट करेंगे आपका रिलेशन, और रिलेशन में भी आपको जो पढ़ के आना है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ के आना है। क्या आना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, हाँ सुना नाम कभी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे कि एक सेट में एक और दो है और दूसरे सेट में दो और तीन है, तो एक कोमा दो, दो कोमा तीन, ऐसे दोनों अलेवेंथ में ही हो ना। तो और कोई बच्चा आना चाहे तो मैं लगता है किसी और बच्चों की जरूरत हो तो बुला लो, से भी है बोल रहा हूँ जैसे इतनी घर में तो पढ़ाई किसी नहीं होती, बाहर इंटर का, अरे यहाँ तो फ्री मिल रही, यहाँ तो निःशुल्क है, यहाँ तो कुछ चार्ज लेना पड़ रहा है, अगर किराए के पैसे लग भी गए। जब समय निकल जा फिर भागते फिरते हैं। कितने साल से चल रहा है योजना, चार साल से चल रही है, आगे भी चल रही है।
हाँ अभी तो चली रही है, अभी यहाँ तक होगी जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री हो गए दिखाने शुरू हुई ना जी सर, 2027 तक तो हैं ही कम से कम, तो जब तक तो चली चलेगी, यानी कि 3 साल तो हो रहे, तो तब तक चलेगी। पहले भी किराए से इस साल से यहाँ पे 3रा साल तक एक्चुअली क्या है, बच्चे मेहनत, आप लोगों को मेहनत किया है अच्छा है, सब पहले जो बच्चे मेरे देखे एक हुआ है डीजे की मेहनती बच्चे नहीं, ना करने की लगती की इच्छा है, इच्छा शक्ति तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो वह समस्या रहे। अच्छा फिर ऐसा भी हो जाता है, मान लिया मैं अवेलेबल नहीं हूँ, टीचर पढ़ा रही, टीचर का पढ़ाना पसंद नहीं आया, कई चीज़ें होती है ना, मान जाती है और यहाँ पर टीचर ऐसा पढ़ा रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, एक दिन आओगे दो दिन आओगे टीचर थोड़ी आ जाओगे, कारण हो जाते हैं। हाँ NDA 2 साल से लगातार मैंने पढ़ाया, NDA मैथमेटिक्स और UPSC चलते हैं ना एम्स कॉलेज में, तो वहाँ पे सीट सेट कराना मैथ्री में, NDA भी नहीं चलता। हाँ इस बार लेकिन NDA का आया नहीं, इस बार अन्य NDA मैं वहीं कराता था, मैं लगभग ये समझो 30 अगस्त तक ख़त्म हो जाता। हाँ वो उसके सर इसका कब हो रहा है IIT का एग्ज़ाम तो अप्रैल तक है इसका, तो भाई मैथमेटिक्स के लगभग शायद 140 के आसपास लेक्चर है, लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंट है, इसमें पहले 11 की बुक कंप्लीट करोगे या फिर करोगे कौन? ना 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 नहीं करना, जैसे सेट पढ़ा जाए ठीक है, कल परसों या हार्डली एक दिन होल्ड रहेगा, इसमें रिलेशन और फंक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा, इसके अलावा इसमें 11th 12th में और ये टॉपिक है ही नहीं, सेट रिलेशन या फंक्शन 12th की बुक में नहीं होने का, ये वहाँ तो दूसरी चीज़ें और टॉपिक्स आ जाओ, इसके बाद सीधे IIT में जो क्वेश्चन आते हैं उस तरह के जो वहाँ की जो और टफ थोड़े कंसेप्ट हैं वो करेंगे। हमारा टारगेट इन बुक्स को पढ़ाना नहीं है, ये बुक्स इसलिए लेकर चलनी पड़ रही है क्योंकि आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप सीधे JEE के क्वेश्चन करने शुरू कर दो, इस चीज़ को आप भी देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, जब आपकी चीज़ें एक ही लेंड नहीं होगी तो वहाँ तो फिर अपना क्या समय बर्बाद है मेरा घर आपका, कम से कम हमें 10 लेक्चर मिले हैं, 10 में से 5 या 6 बेसिक कर लेंगे, 4-5 जगह देखो, अगर आप लेना चाहो तो ले लो, कोई इतना अर्जेंट है नहीं, क्योंकि कुछ चलिए प्रैक्टिस में भी करा दूँगा अगर आपको तुम्हें ज़रूरत लगेगी तो दे, लेकिन अभी कम से कम एक महीना पहले पढ़ो रमो, आपको लग रहा ना यहाँ कुछ बेनिफिट हो, मान लिया आपने यहाँ आए भी आपका मन पड़ गया और आपने वो बुक घर रखी, क्योंकि वो बुक आप घर पर बैठे नहीं पढ़ पाए, हाँ इतना जरूर है कि जो टॉपिक मैं पढ़ा दूँ आपको सेट रिलेशन फंक्शन, जिस दिन मेरा यहाँ पर 10 डेज पूरे हो जाएंगे ना 10-10 लाख, उसके बाद आप किसी भी बुक से उठा के पढ़ना तो शायद आपको ऐसा नहीं लगेगा यार बिल्कुल ही अनजान है, लेकिन ये है कि जो मैं पढ़ा दिया उसकी घर जाके प्रैक्टिस भी करो और उसी के साथ जो होमवर्क दिया जाए उसे करो और थोड़ा अपना पढ़ने का प्रयास करो, जैसे मैंने दिया कल के लिए एक तो फॉरम सी पढ़ के आनी है और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ गया ठीक है, इसको बंद कर।